शास्त्रों के अनुसार ग्रहों की कमजोर दशा के कारण हमें अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ज्योतिष के अनुसार जिसकी कुंडली में ग्रहों की दशा कमजोर होती है उसको हमेशा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह कमजोर है तो ज्योतिष ने इसे मजबूत बनाने के लिए बहुत तरह के उपाय बताए हैं। आइए जानते हैं ज्योतिष के अनुसार नौ ग्रहों को मजबूत करने के उपाय। बात करते हैं पहली ग्रह की, यानी सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आपको किसी जरूरतमंद को या किसी मंदिर में गेहूं और तांबे का दान करना होगा। वहीं बात करते हैं दूसरे ग्रह की, यानी चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह की कमजोर दशा को मजबूत करने के लिए आपको किसी मंदिर में दूध और चावल का दान करना चाहिए। तीसरे ग्रह यानी मंगल ग्रह। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की दशा खराब चल रही है तो इसके लिए आपको मसूर की दाल का दान करना होगा। वहीं बात करते हैं चौथा ग्रह यानी बुध ग्रह। वहीं बुध ग्रह को शांत करने के लिए आपको साबुत हरे मूंग को बहते जल में प्रवाहित करना होगा। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। वहीं बात करते हैं पांचवा ग्रह यानी गुरु ग्रह। गुरु ग्रह को शांत या मजबूत करने के लिए आपको किसी भी पुजारी को चने की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। वहीं बात करते हैं छठे ग्रह की, यानी शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह की दशा को मजबूत करने के लिए आपको किसी भी धार्मिक स्थल पर घी, दही और कपूर का दान करना होगा। ऐसा करने से आपका शुक्र ग्रह आपको शुभ फलों की प्राप्ति करवाएगा। वहीं बात करते हैं सातवें ग्रह की, यानी शनि ग्रह की। अगर शनि ग्रह की दशा खराब चल रही है तो आपको भीख मांगने वालों को काले उड़द का दान करना लाभदायक साबित होगा। वहीं बात करते हैं आठवें ग्रह की, यानी राहु ग्रह। वहीं अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा खराब चल रही है तो इसके लिए आपको बहते जल में सरसों को प्रवाहित करना होगा, साबुत सरसों को। ऐसा करने से आपको राहु से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं बात करते हैं नौवें ग्रह की, यानी केतु ग्रह। अगर आप केतु के अशुभ प्रभाव से परेशान है तो आपको बहते जल में तिल को प्रवाहित करना शुभ होगा। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।